हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोग को KCS पनीकर, जिनका पूरा नाम है कोवा लेजी चीरा माथुर शंकर पनीकर, जो कि बहुत ही फेमस कलाकार हैं और ये चोल मंडल के संस्थापक माने जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग KCS पनीकर के बारे में पढ़ते हैं। KCS पनीकर, इनका पूरा नाम है कोवालेजी चीरा माथुर शंकर पनीकर। इनका जो समय है 1911 से 1977 ईस्वी। KCS पनीकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 मई 1911 ईस्वी को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इनका जन्म हुआ था। KCS पनीकर ने कला शिक्षा कहाँ से और किसके निर्देशन में प्राप्त की? 1936 से लेकर 1940 ईस्वी के मध्य गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। KCS पनीकर चेन्नई के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में के प्रधानाचार्य कब बने? 1957 ईस्वी में ये चेन्नई के प्रधानाचार्य बने। वहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स है वहाँ पे ये प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए। KCS पनीकर ने चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन PPS की स्थापना कब की? 1944 ईस्वी में। चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने और कब की? KCS पनीकर ने 1966 ईस्वी में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की, तो KCS पनीकर ने। भारत में कलाकारों का पहला गांव था चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज। KCS पनीकर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1926 ईस्वी में फाइन आर्ट सोसाइटी मद्रास की अखिल भारतीय प्रदर्शनी के साथ। पनीकर को नेशनल ललित कला अकादमी का फेलोशिप कब प्राप्त हुआ? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में इन्हें फेलोशिप प्राप्त हुआ था। KCS पनीकर का देहांत कब हुआ? 16 जनवरी 1977 ईस्वी में 66 वर्ष की आयु में मद्रास में इनका निधन हो गया। KCS पनीकर के प्रमुख चित्र, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? वर्ड्स एंड सिंबल्स सीरीज बहुत ही फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है। आदम और हव्वा, ईशा, वसंत, वसंत को इन्होंने तैल में बनाया है। धन्य है दूत शांति, काली लड़की, पीला चित्र, पतिता तथा ईव नामक इन्होंने चित्र बनाया। इनका काफ़ी फेमस चित्र एक है जिसे मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ। एक बार पहले मैं आपको चित्र को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लें। ये चित्र है इनका, बहुत ही फेमस है और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इस चित्र का नाम है वर्ड्स एंड सिंबल, बहुत ही फेमस इनका ये चित्र है, आप देख लें एक बार। ये इनका चित्र है जिसका नाम है वर्ड्स एंड सिंबल। तो इस चित्र के बारे में मैं आपको अब डिटेल बता रहा हूँ। वर्ड्स एंड सिंबल चित्र, ये चित्र जो है, चित्र का नाम क्या है? वर्ड्स एंड सिंबल। चित्रकार कौन है? KCS पनीकर। इसका समय क्या है? काल पीरियड क्या है? इसका समय क्या है? आधुनिक समकालीन ये बना है। माध्यम मीडियम क्या है? बोर्ड पर तैल से बना है ये। समय 1963 ईस्वी 1963 AD में बना है। संग्रह, इसका कलेक्शन कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, अब हम इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इस चित्र में वर्ड्स एंड सिंबल चित्र श्रृंखला को KCS पनीकर ने दो चीज़ों को समझने के बाद बनाया। उसमें पहला था सतह पर सुलेखन के जादुई गुण, दूसरा था
लयात्मक रेखाओं के द्वारा एक नया चित्र का बनना। यहाँ पे आप देखेंगे इस चित्र में बहुत ही छोटे छोटे सिंबल और लेखन सुलेखन जो कैलीग्राफी है उसको यहाँ पे दर्शा करके जो एक चित्र बना है, बहुत ही सुंदर चित्र है। तो इस चित्र के बारे में और आगे हम देखते हैं क्या है। इस चित्र श्रृंखला के उद्भव के बारे में उन्होंने कहा है कि दो आयामी सतह पर सुलेखन के बारे में वह अभी भी लयात्मक रेखाओं को बनाने के लिए नए प्रकार के तरल की खोज कर रहे हैं। उनका ध्यान मलयालम लिपि पर केंद्रित सुलेखनकारी की तरफ गया जिसमें लयात्मक रेखाओं के द्वारा डिजाइन बनाया गया था। ठीक उसी समय उन्होंने पारंपरिक ज्योतिषी स्क्रॉल को ध्यानपूर्वक देखा जिसमें दो तरह के सुलेखन थे, जो कुशल ज्यामिति चिन्ह थे और एक सिंबल की तरह काम करते थे। यह सुलेखन ज्यामिति चिन्ह के साथ कभी कभी लीनियर संकेत और चित्र के साथ एक दूसरे से मिलते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में आप देखिए यहाँ पे सिंबल के साथ कैलीग्राफी के साथ ये कहीं कहीं पे एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में मिलते थे, जिससे एक गत्यात्मक सुंदर और मूल्यवान चित्र उभर कर सामने आता था। परिणाम स्वरूप मार्क मेकिंग और साइन फॉर्मिंग तथा चित्र को समझकर उसे प्रस्तुत करने में अमूर्त अंतर स्वानुभूति रूप से महत्वहीन हो जाता था। ये कुछ अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को लिए हुए है चित्र, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्र को। आप देखिए ये चित्र को आप ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी फेमस चित्र है, वर्ड्स एंड सिंबल, जो कि केसीएस पनिकर का है और अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है। वर्ड्स एंड सिंबल बहुत ही फेमस चित्र है ये। तो दोस्तों इस तरह से हमने केसीएस पनिकर के बारे में बता दिया है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं और भी कलाकारों से संबंधित, इम्पॉर्टेंट जो कलाकार हैं उनसे संबंधित एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं तो उसको स्किप ना किया करें, स्किप करने से लाइक सब्सक्राइब ये सब बहुत कम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।